आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। कुछ साल पहले जब मैं अपने गांव में रहता था तो उस वक्त हमारा गांव काफी छोटा था। अधिकतर लोग गांव से काम करने शहर जाते थे, उनमें से एक मैं भी था। शहर से हमारा गांव करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर था, तो आने जाने के लिए हमें बस या ऑटो का सहारा लेना पड़ता था। ऐसे ही उस रात भी मैं काम खत्म करके गांव आने के लिए ऑटो पकड़ा, तो मेरे ऑटो में बैठते ही एक और आदमी मेरे बगल के सीट पर आकर बैठा। फिर जब मैं उस आदमी को ध्यान से देखा तो मैं उसे पहचान गया कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि मेरे ही गांव में रहने वाला भोला है। भोला को पहचानते ही मैंने उससे कहा, क्या भाई भोला, क्या हाल चाल? जिस पर भोला ने कहा, सब ठीक भाई, तू बता कैसा है? इस पर मैंने भी उसे अपना हाल चाल बता दिया। दरअसल आज से एक साल पहले भोला के साथ एक ऐसी घटना घटी थी जिससे वो मरते मरते बचा था। उसके साथ क्या हुआ था ये तो मुझे ठीक से पता नहीं, मगर इतना ज़रूर पता है कि उसके पीछे एक काली शक्ति पड़ गई थी। खैर, ये बात मेरे जहन में उठते ही मुझे उस घटना के बारे में जानने की उत्सुकता होने लगी। इस पर मैंने भोला से उस बारे में पूछा तो भोला ने हंसते हुए कहा, काफ़ी लंबी कहानी है, तो तुम्हारे पास सुनने के लिए वक्त तो है ना? जिस पर मैंने कहा, हाँ काफ़ी वक्त है, ऐसे भी हमें गांव पहुंचने में करीब 40 मिनट लगेंगे। इस पर भोला ने बताना शुरू किया, आज से एक साल पहले जब मैं इसी तरह काम से वापस घर लौट रहा था तो काफ़ी रात हो जाने की वजह से मुझे ना तो कोई बस मिली और ना ही कोई ऑटो, जिस कारण मैं और इंतज़ार ना करके पैदल ही घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। एक तो काम करके पहले से ही काफ़ी थका हुआ था, ऊपर से पैदल चलकर गांव जाना ये सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। रास्ता भी पूरी तरह से सुनसान था, दूर दूर तक मेरे अलावा मुझे और कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। खैर, मैं डरता तो था नहीं, इसलिए इस बात को नज़रअंदाज करके मैं आगे बढ़ने लगा। करीब 2 किलोमीटर चलने के बाद मैं शहर के रास्ते से अलग गांव जाने वाले रास्ते पर पहुंचा, तो वक्त हो रहा था रात के 11 बजे का। काफ़ी थक जाने के कारण मैं उस रास्ते के किनारे लगे माइलस्टोन पर बैठ गया, जिस माइलस्टोन पर लिखा था हरिपुर गांव 13 किलोमीटर, यानी कि मुझे अभी 13 किलोमीटर पैदल चलना होगा। मुझे भूख भी काफ़ी तेज लगी थी क्योंकि मैंने दोपहर का भी खाना नहीं खाया था, सारा खाना मेरे टिफ़िन में उसी तरह से पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा खाना खा लिया जाए जिससे मुझे चलने की भी शक्ति मिलेगी। लिहाजा मैंने अपने बैग से टिफ़िन बॉक्स निकाला और उसी माइलस्टोन पर बैठकर खाने लगा। अभी मैं बैठकर खा ही रहा था कि तभी मेरे पीछे झाड़ियों से कुछ हलचल हुई। उस हलचल को महसूस करके जब मैं पीछे पलटा तो उन झाड़ियों के पास मुझे एक बच्चा खड़ा हुआ दिखा जो मेरे खाने को एकटक घूरे जा रहा था। मगर इतनी रात गए इस जंगल में ये बच्चा अकेले क्या कर रहा है? मैं अभी ये सोच ही रहा था कि तभी वो बच्चा चलकर मेरे करीब आया और मुझसे पूछे बगैर ही मेरे टिफ़िन में हाथ डालकर वो भी खाना खाने लगा। उस लड़के की इस हरकत को देखकर पहले तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, मगर दूसरे ही पल मुझे उस पर दया आने लगी क्योंकि वो लड़का इस तरह से खाने को खा रहा था कि मानो वो 2-3 दिनों से भूखा हो। मैंने भी उसे कुछ नहीं कहा और उसे चुपचाप खाने दिया, मगर उसकी एक बात मुझे और हैरान करने वाली लगी कि वो बच्चा एक बार में इतने बड़े बड़े निवाले खा रहा था
जो हम अपने हाथों से भी नहीं पकड़ सकते। खैर, करीब 2 मिनट में ही उस बच्चे ने मेरा पूरा टिफिन खाली कर दिया, जिसके बाद मैंने अपना टिफिन वापस से अपने बैग में डाला और उस बच्चे से कहा, अरे बेटा, आप इस सुनसान रास्ते पर इतनी रात गए क्या कर रहे हो? मगर मेरे इस सवाल का उस बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। अभी मैं उस बच्चे को देख ही रहा था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि इस बच्चे का कद अभी अभी थोड़ा बढ़ गया। मगर ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी जल्दी किसी का कद कैसे बढ़ सकता है? मैंने दोबारा से जब उस बच्चे को ध्यान से देखा तो हाँ, सच में उस बच्चे का कद थोड़ा बढ़ गया है। अब मुझे थोड़ी बेचैनी सी महसूस होने लगी थी और मुझे लगने लगा कि ज़रूर दाल में कुछ काला है, कि तभी मुझे कहीं से साइकिल चलने की आवाज़ आई। उस आवाज़ को सुनकर वो बच्चा एकदम से उठकर खड़ा हो गया। फिर मैंने जब अपनी निगाहें उस आवाज़ की ओर घुमाई तो मैंने देखा कि दूर से एक साइकिल चलता हुआ हमारी तरफ आ रहा है। उस साइकिल को देखकर मैं भी थोड़ा खुश हुआ कि चलो मैं उस साइकिल वाले से मदद मांगकर अपने गांव चला जाऊंगा और अब मुझे पैदल भी नहीं चलना पड़ेगा। देखते ही देखते वो साइकिल हमारे पास आकर रुका, मगर ना जाने क्यों वो बच्चा उस साइकिल वाले से काफ़ी डर रहा था, जिस कारण साइकिल रुकते ही वो बच्चा मेरे पीछे आकर छिप गया। साइकिल रुकते ही उस साइकिल सवार आदमी ने मुझसे कहा, क्या वो भाई साहब, आप इस सुनसान रास्ते पर क्या कर रहे हैं? मैं हरिपुर गांव की तरफ जा रहा हूं, और अगर आपको उधर ही जाना है तो चलिए मैं आपको छोड़ देता हूं। उस आदमी के मुंह से ये सुनकर मानो मेरे चेहरे पर हल्की सी चमक आ गई, क्योंकि मैं तो यही चाहता था। मैं अभी उस आदमी के साइकिल पर बैठने ही वाला था कि तभी उतनी देर से चुप उस बच्चे ने पहली बार कहा, इसके साथ मत जाइए। उस बच्चे से ये सुनकर मैं थोड़ा हैरान हो गया कि भला ये बच्चा उतनी देर से इस आदमी को देखकर डर क्यों रहा था और मुझे इसके साथ जाने के लिए क्यों मना कर रहा है। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी उस साइकिल वाले ने कहा, भाई साहब चलना है तो चलिए, वरना मैं चलता हूँ। उस बच्चे की बात सुनकर पैदल जाने से तो अच्छा है कि मैं इस आदमी के साथ साइकिल से चला जाऊं, ये सोचकर मैं उसकी साइकिल पर बैठकर चलता बना। मगर मुझे कहां पता था कि मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने जा रहा हूं। खैर, अभी मैं साइकिल पर बैठकर कुछ आगे बढ़ा ही था कि तभी मैंने एक बार उस बच्चे को देखने के लिए पीछे मुड़ा तो पीछे का नज़ारा देखकर मैं एकदम से हक्का बक्का रह गया, क्योंकि पीछे अब वो बच्चा नीचे नहीं बल्कि एक पेड़ पर उल्टा लटक रहा था। मगर ऐसा कैसे हो सकता है, कोई भी इंसान पेड़ पर उल्टा कैसे लटक सकता है? ये देखकर मेरे होश उड़ गए और मैंने लड़खड़ाती हुई आवाज़ में उस साइकिल वाले आदमी से कहा, वो बच्चा पेड़ पर उल्टा कैसे लटक रहा है? इस पर उस आदमी ने जो जवाब दिया उसे सुनकर मेरे हाथ पैर और भी ज़्यादा कांपने लगे, क्योंकि उस आदमी ने ये कहा, हाँ भाई साहब, वो पेड़ पर उल्टा लटक सकता है क्योंकि वो एक भूत है और वो मेरा ही बेटा है। आगे उस आदमी ने बताया, आज से कुछ दिन पहले मैं और मेरा बेटा हम दोनों साइकिल लेकर इसी रास्ते पर से घर लौट रहे थे, तभी एक ब्रेक फेल ट्रक ने हमें पीछे से आकर ठोक दिया, जिस कारण हम वहीं पर गिरकर मर गए और आज आपको भी मरना होगा। इतना बोलकर उस आदमी ने मुझे साइकिल से नीचे पटक दिया। अब उस आदमी का चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था और उसका पूरा शरीर कुचला दिखाई पड़ने लगा कि तभी उस आदमी ने एकदम से मेरा गला पकड़ लिया। उसके गला पकड़ते ही मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा कि तभी वहाँ पर कहीं से 2-3 लोग आ पहुँचे,
जिन्हें देखकर वो शैतान गायब हो गया। उस रात तो मेरी जान बच गई, मगर वो बच्चा आज भी मेरे सपनों में खाना मांगता हुआ दिख जाया करता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।